ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हर्ष ट्राई वीडियो यूट्यूब चैनल के एक और फ्रेश टेक न्यूज एपिसोड में। ये हमारा टेक न्यूज का 148 एपिसोड, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हर्ष ट्राई वीडियो यूट्यूब चैनल के एक और फ्रेश टेक न्यूज एपिसोड को। दोस्तों आज की सबसे पहली बड़ी खबर की बात करें तो ये निकल के आ रही है चाइनीज स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Xiaomi की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, Xiaomi की तरफ से। जैसा कि आपको मालूम है कि आज है 24 अप्रैल और कल है 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को है Xiaomi का एक इवेंट जहां पे वो लॉन्च करने वाले हैं अपने नए डिवाइस Xiaomi MI6X या फिर Xiaomi MIA2। तो नॉर्मली तौर पे दोस्तों ये डिवाइस अभी लॉन्च नहीं हुआ है और इससे रिलेटेड फिर से एक बहुत बड़ी लीक निकल के आई है। रिपोर्ट कुछ इस प्रकार की है कि पहले जा रहा था कि इस डिवाइस में कुछ प्रोसेसर देखने को मिलेगा वो होगा Qualcomm Snapdragon 636, लेकिन इस रिपोर्ट के अनुसार आने वाले Xiaomi MI6X में आपको देखने को मिल सकता है Qualcomm Snapdragon 660 प्रोसेसर। साथ ही साथ यहां पे आपको जो 3.5 mm ऑडियो जैक है वो मिसिंग होगा iPhones के तरह। तो नॉर्मली तौर पे दोस्तों जो म्यूजिक लवर है उनके लिए तो एक सैड न्यूज है। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो ये निकल के आ रही है चाइनीज स्मार्टफोन निर्माता कंपनी OnePlus की तरफ से। दोस्तों OnePlus के आने वाले एक और नए फ्लैगशिप डिवाइस OnePlus 6 से रिलेटेड बहुत बड़ी लीक निकल के आई है। जो लीक है उसके अनुसार पता चलता है कि OnePlus 6 में आपको फीचर देखने को मिलता है आईफोन वाला। जी हाँ दोस्तों, ये जो फीचर है वो है वायरलेस चार्जिंग का। अब नॉर्मली तौर पे दोस्तों ऐसी रिपोर्ट निकल के आई है कि आने वाले OnePlus 6 में आपको फीचर देखने को मिलेगा वायरलेस टेक्नोलॉजी, और नॉर्मली तौर पे वायरलेस टेक्नोलॉजी जो रहेगा तो वो बहुत कमाल का होने वाला है। नॉर्मली तौर पर ये तो आपको सैमसंग के भी डिवाइसेज में देखने को मिलता है और आईफोन के डिवाइसेज में देखने को मिलता है, और एलजी के भी कुछ ऐसे डिवाइसेज जो वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। अब नॉर्मली तौर पर दोस्तों OnePlus 6 ये लेके आएगा तो ये कम प्राइस में लाएगा, क्योंकि दोस्तों OnePlus 6 या फिर जो OnePlus कंपनी है वो फ्लैगशिप किलर के नाम से जानी जाती है। अब ऐसे में दोस्तों OnePlus 6 को लॉन्च होने में ज्यादा दिन है नहीं। अब OnePlus 6 लॉन्च हो जाएगा तब पता चलेगा कि OnePlus क्या क्या नया फीचर लेके आता है, क्योंकि दोस्तों लीक्स और रूमर्स आपको भी बहुत देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो ये निकल के आ रही है चाइनीज स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Huawei के सब ब्रांड Honor की तरफ से। दोस्तों आपको खरीदना है Honor का दो डिवाइस Honor 7X या फिर Honor 9 Lite, तो ये खबर आपके लिए अच्छी खबर साबित हो सकती है, क्योंकि इन डिवाइसेस पे आपको अभी अच्छे खासे ऑफर देखने को मिल रहे हैं। अब नॉर्मली तौर पर आप खरीदना चाहते हैं तो इन डिवाइसेस को ऑनलाइन आप खरीद सकते हैं, क्योंकि मिला जुला के अच्छे खासे डिस्काउंट ऑफर आपको इन डिवाइसेस पर देखने के मिल रहे हैं। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो ये निकल के आ रही है चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक कंपनी Xiaomi की तरफ से। दोस्तों और आपको खरीदना है Xiaomi का कोई भी स्मार्ट टीवी, चाहे वो हो MITB4 या फिर कोई भी MITB4A या फिर MITB4C, तो ये खबर आपके लिए एक अच्छी खबर साबित हो सकती है, क्योंकि जो Xiaomi का टीवी है स्मार्ट टीवी उसका फ्लैश सेल आज है, और नॉर्मली तौर पर आप चाहते हैं तो इन स्मार्ट टीवी को आप खरीद सकते हैं। अब नॉर्मली तौर पर दोस्तों जब तक ये वीडियो आपको मिलेगा तब तक तो फ्लैश सेल खत्म हो गई होगी, लेकिन दोस्तों नॉर्मली तौर पर जब अभी ये वीडियो शूट हो रहा है तो अभी तक फ्लैश सेल बाकी है, तकरीबन 3 मिनट बाकी है अभी के टाइम के हिसाब से फ्लैश सेल स्टार्ट होने में। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो ये निकल के आ रही है साउथ कोरियन स्मार्टफोन निर्माता कंपनी LG की तरफ से। दोस्तों LG की तरफ से आने वाले एक और नए स्मार्टफोन के लीक्स और रूमर्स देखने को मिले हैं। दोस्तों ये जो लीक्स और रूमर्स एक फोल्डेबल स्मार्टफोन को लेके है। नॉर्मली तौर पे दोस्तों CES 2018 में सैमसंग ने अपने एक डिवाइस को सीक्रेटली कुछ आदमियों को दिखाया था, कुछ लोगों को दिखाया था वहां पे, लेकिन सीक्रेटली वहां पे दिखाया गया था जो था उनका गैलेक्सी X, जो एक फोल्डेबल स्क्रीन वाला स्मार्टफोन होने वाला है। अब नॉर्मली तौर रिपोर्ट तो ऐसे निकली कि 2019 में लॉन्च होगा, फिलहाल के लिए डिवाइस अभी लॉन्च नहीं हुआ, इसलिए मैं अभी ये नहीं बोल सकता कि लॉन्च हो चुका है, यानी जो डिवाइस है होने वाला है अभी है नहीं। तो नॉर्मली तौर पे दोस्तों ऐसा ही LG एक और नए कमाल करने वाला है, और LG अपने GX डिवाइस को लॉन्च करने वाला इस नाम से, जो एक फोल्डेबल स्मार्टफोन वाला स्मार्टफोन होगा। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो ये निकल के आ रही है चाइनीज स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Huawei की तरफ से। दोस्तों Huawei ने अपने P20 सीरीज को इंडिया के अंतर्गत लॉन्च कर दिया है, और जो ये डिवाइस है 3 मई से खरीदने के लिए उपलब्ध होंगे Amazon.in पे। दोस्तों बात करें इन स्मार्टफोन के बारे में तो दोनों बहुत कमाल का स्मार्टफोन है। इस सीरीज के अंतर्गत आपको दो स्मार्टफोन देखने को मिलता है, एक है Huawei P20 Pro और एक है Huawei P20 Lite। दोस्तों बात करें सबसे पहले Huawei P20 Pro के बारे में, तो यहां पे जो हाइलाइटिंग फीचर है वो है ट्रिपल रियर कैमरा।
यहाँ पे आपको 40 मेगापिक्सल का रियर कैमरा देखने को मिलता है, 24 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, एंड्रॉइड 8.1 ओरियो आपको देखने को मिल जाता है, 6.1 इंच की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है, नॉच वाला डिस्प्ले यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, तकरीबन 4000 के आसपास की एमएएच की बैटरी आपको देखने को मिल जाती है। तो मिला जुला के P20 Pro एक फ्लैगशिप डिवाइस है और जो प्राइस है इसका वो है 64,999 रुपया। तो मेरे हिसाब से स्पेसिफिकेशन बहुत कमाल का है, लेकिन जो प्राइस है थोड़ा ज्यादा है Huawei के लिए। देखो दोस्तों, Huawei का भी भरोसा इंडिया के अंतर्गत नहीं है, मैं मानता हूं कि यहां पे आपको तरह तरह के कमाल के स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं, तब पर भी जो प्राइस है थोड़ा ज्यादा है। दोस्तों बात करें P20 Lite के बारे में, तो यहां पे भी आपको देखने को मिलता है 5.8 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले, नॉच वाला डिस्प्ले यहां पे भी आपको देखने को मिलता है, 16 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, तकरीबन 3000 एमएएच की बैटरी। तो मिला जुला के यही स्पेसिफिकेशन है इन स्मार्टफोन का। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो ये निकल के आ रही है साउथ कोरियन स्मार्टफोन निर्माता कंपनी सैमसंग की तरफ से। दोस्तों सैमसंग के आने वाले एक और नए डिवाइस सैमसंग गैलेक्सी A6 प्लस की लीक्स और रूमर्स देखने को मिले हैं। नॉर्मली तौर पे दोस्तों यहाँ पे जो फोटो इस डिवाइस का वो सामने निकल के आया है। फोटो को देखें तो आपको पीछे से देखने को लगेगा कि जो डिवाइस है इन्हीं का फ्लैगशिप डिवाइस गैलेक्सी S9 प्लस है, जैसा कि यहाँ पे आपको कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, और डिजाइन तो बहुत कमाल का ही है पीछे से भी और आगे से भी। लेकिन दोस्तों इस डिवाइस का प्राइस नहीं पता चला है, स्पेसिफिकेशन नहीं पता चला है, और साथ ही साथ इस डिवाइस का लॉन्च डेट भी अभी पता नहीं चला है। दोस्तों आज के अंतिम खबर की बात करें तो ये निकल के आ रही है चाइनीज स्मार्टफोन निर्माता कंपनी वीवो की तरफ से। दोस्तों वीवो ने अपने एक और नए डिवाइस वीवो Y53i को कर दिया है इंडिया में लॉन्च। दोस्तों इस स्मार्टफोन का जो प्राइस है वो है तकरीबन 7,990 रुपया। इस प्राइस रेंज में आपको देखने को मिलता है 5 इंच का एक 540p वाला डिस्प्ले, यहाँ पे आपको 1.6 GHz का प्रोसेसर देखने को मिलता है जो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 425 प्रोसेसर। साथ ही साथ इस डिवाइस में आपको 2GB की रैम देखने को मिलती है, 16GB की इनबिल्ट स्टोरेज आपको देखने को मिल जाती है, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, और यहाँ पे जो सबसे खराब सी बात है आपको देखने को मिलता है एंड्रॉइड 6.0 मार्शमैलो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको मार्शमैलो देखने को मिलता है, और साथ ही साथ 2500 एमएएच की बैटरी देखने को मिलती है। तो मिला जुला के इस प्राइस रेंज में ठीक सा स्मार्टफोन ये नहीं है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आगे आपकी मर्जी, आप खरीद भी सकते हैं, लेकिन पर्सनल ओपिनियन है मेरा, इसे आप नहीं खरीदिए क्योंकि आपका पैसा व्यर्थ हो जाएगा अगर आप इस डिवाइस को खरीदते हैं इस प्राइस रेंज में। तब उम्मीद करता हूं आपको हमारे ओर से दिया गया टेक न्यूज का यह एपिसोड पसंद आया होगा। दोस्तों आज के समाचार की सुर्खियां यहीं पर खत्म होती है, कल पुनः इसी पर प्रसारित होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।